गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने बात करी कि सरकार का जो बजट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो टोटल एक्सपेंड रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व का मतलब है, रेवेन्यू रिसीप्स और कैपिटल रिसीप्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। तो सरकार के ये दो तरह के राजस्व होते हैं और दो तरह के व्यय होते हैं। ओके ना, अब दोस्तों हम देखते हैं जरा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता। तो अगर आप गौर से देखें तो ये रेवेन्यू वर्ड दो जगह लिखा मिलेगा, एक तो यहाँ जिसे हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो यहाँ जिसे हमने कहा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सो दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ यदि सरकार के रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हैं देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, अर्थात सरकार के राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स राजस्व प्राप्तियों से, तो इसे हम कहते हैं राजस्व घाटा, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटे का मतलब हुआ दोस्तों, तो रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटे का मतलब हुआ कि यदि सरकार का राजस्व व्यय अधिक है किससे, राजस्व प्राप्तियों से, तो इसे हम कहेंगे सरकार का राजस्व घाटा। अब भाई राजस्व घाटा होता क्या है वो तो आपको समझ में आ गया कि रेवेन्यू डेफिसिट मींस कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स ज़्यादा कम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा। अब दोस्तों ये थोड़ा ज्ञान देते हैं कि आखिर व्हाई द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स रेवेन्यू डेफिसिट, आखिर हमारे देश की सरकार राजस्व घाटा को आकलन क्यों करती है और रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट क्यों करती है, ज़रा ये बताते हैं। दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट को इसलिए कैलकुलेट करती है ये जानने के लिए, क्योंकि अब आप अपने पन्ने पलटो कॉपी के और ज़रा पीछे देखो एक बार जाकर, ज़रा जल्दी से पन्ने पलटो और पीछे देखो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो कौन कौन से हैं। जल्दी से देखिए दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप लोगों ने देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन द स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द लोन्स, राइट। एक बार जरा इसको देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फी, फाइंस, लाइसेंस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम PSUs एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसे हमने कहा रेवेन्यू रिसीप्ट और इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा इसका मतलब क्या हुआ, तो रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटे का मतलब हुआ कि सरकार का जो राजस्व व्यय है वो ज़्यादा है देन राजस्व प्राप्तियों से। यदि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ और रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम हुआ तो इसे हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, इसे हम कहेंगे राजस्व घाटा, राइट। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा। तो अब दोस्तों ये कैलकुलेट क्यों करता है, ज़रा ये बताते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा मेरी नज़र से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा बता रहा है क्या, बता रहा है ज़रा ध्यान से सुनना। तो राजस्व घाटा ये बता रहा है कि दोस्तों सरकार के जो राजस्व व्यय हैं, सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब सरकार स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज एंड ब्ला 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 पर पैसा खर्च ज़्यादा कर रही है, भले ही सरकार को जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फी, फाइंस वगैरह वगैरह से पैसा आ रहा है कम। तो रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा ये बताता है कि हमारे जो देश की सरकार है, तो हमारे देश की सरकार के पास भले ही राजस्व कम हो लेकिन सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है, तो ऐसे हम कहेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो तो समझ गए, पेपर में क्या आएगा वो यही लिखा हुआ आएगा। पेपर में लिखा होगा राजस्व घाटे का अभिप्राय है, तो आंसर लिखा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट। लेकिन इसको कैलकुलेट क्यों करते, तो इसको कैलकुलेट इसलिए करते हैं जिससे सरकार को ये पता चले कि सरकार कितना लोगों के वेलफेयर, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज, डिफेंस पर्सनल्स,
पर कितना पैसा खर्च कर रही है, भले ही सरकार को टैक्सेस से, फी फाइंस लाइसेंस से, फी इनकम फ्रॉम पीएसयू से पैसा आ रहा है कम। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। दोस्तों एक और बहुत इम्पोर्टेंट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, जिसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। भाई ये फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे का मतलब है कि जो भी सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, नाउ लुक एट द बोर्ड, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये यदि ज़्यादा हैं देन टोटल रेवेन्यू से, टोटल रेवेन्यू से, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स में मैंने एक पार्ट लिखवाया था, याद करिए आप लोग, बोरोइंग्स। कैपिटल रिसीप्ट में एक पार्ट लिखवाया था बोरोइंग्स। दोस्तों टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग्स को छोड़कर, दोस्तों अदर देन बोरोइंग्स या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो अगर सरकार के जो टोटल रेवेन्यू कम है टोटल एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू में बोरोइंग का पार्ट छोड़ दो, तो इसे कहते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट, इसे कहते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट, थैंक यू, एक प्लस पानी। तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर कितने ज़्यादा हैं देन टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में जो बोरोइंग्स का पार्ट है, जो ऋण का पार्ट है, अगर हम इसे छोड़ दें तो इसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, इसे कहेंगे राजकोषीय घाटा। दोस्तों हम लोग फिस्कल डेफिसिट को अलग अलग डायमेंशन में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में जितने तरीके से फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आया अभी आपको दिखाएंगे एक से एक वंडरफुल तरीका, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह थोड़ा डीप में समझो कि सरकार फिस्कल डेफिसिट क्यों निकालती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर कुछ और चीज़ें, तो आप जरा थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। भाई वो वाला गेट क्यों खोल दे, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, तो पहले एक बार अच्छी तरह समझिए, इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय ज़्यादा है देन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से, लेकिन टोटल रेवेन्यू में एक पार्ट होता है बोरोइंग्स ऋण, थैंक यू आंटी, टोटल रेवेन्यू में एक पार्ट होता है बोरोइंग्स ऋण, अगर हम ऋण को छोड़ दें तो सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर कितने ज़्यादा हैं देन टोटल रेवेन्यू से, तो इसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, इसे हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आप थोड़ा अच्छे से राजकोषीय घाटा को और समझिए। देखिए दोस्तों अब मैं आपको इसके पीछे की बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर सरकार राजकोषीय घाटे का मेजरमेंट, सरकार राजकोषीय घाटे का आकलन क्यों करती है और इसका उद्देश्य क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों सपोज सरकार के जो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय हैं ये हैं 10 लाख करोड़, जस्ट टेक एन एग्जांपल, और सरकार का जो टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व है वो है 8 लाख करोड़, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 10 लाख करोड़ और टोटल रेवेन्यू है 8 लाख करोड़, और दोस्तों इस 8 लाख करोड़ में मैंने बोरोइंग शामिल नहीं करी, इस 8 लाख करोड़ में मैंने बोरोइंग शामिल नहीं करी, ये जो टोटल रेवेन्यू है इसमें जो बोरोइंग थी हटाकर, तो 8 लाख करोड़। अब मुझे बताइए जल्दी से कि फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, तो फिस्कल डेफिसिट सरकार को हुआ 2 लाख करोड़ का, इसका मतलब अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, बोरो कितना, 2 लाख करोड़, इसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग, इट शोज हाउ मच मनी गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू रन द कंट्री। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि कितना रुपए बोरो करने की आवश्यकता है जिससे हमारी देश की सरकार, हमारा देश चल सके, तो इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का मतलब है दोस्तों कि सरकार को कितना रुपए बोरो करना है, सरकार को कितना रुपए उधार लेना है, उधार लेना है जिससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके, इसे हम बोलते हैं
फिस्कल डेफिसिट, इसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब दोस्तों मैं इसको मल्टीपल डायमेंशन से कई सारे तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद लौटूंगा और बाद में बताऊंगा। तो आप समझ गए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट इन शॉर्ट सिर्फ ये बताता है कि सरकार को कितना रुपए बोरो करना है, कितना रुपए उधार लेना है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके। इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। चलते दोस्तों और बात करते हैं इनटू द नेक्स्ट काइंड ऑफ डेफिसिट, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट और हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राइमरी डेफिसिट हिंदी में कहलाता है प्राथमिक घाटा। तो प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा क्या होता, जरा ध्यान से सुनना। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटे का मतलब हुआ कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट निकल के आया, अगर आप गौर से देखेंगे तो राजकोषीय घाटे का मतलब है जो भी सरकार ने बोरोइंग्स वगैरह ली। तो जो भी सरकार ने बोरोइंग्स ली, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स खत्म। तो जो भी सरकार ने बोरो लिया, तो बोरो का कितना, अब बोरो जब लिया तो उसका इंटरेस्ट भी दिया होगा। हमने इसमें लिखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स। दोस्तों बोरोइंग से मतलब फिस्कल डेफिसिट से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा होता क्या है, ये तो आपको सामने लिखा और आप समझ गए कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है, प्राथमिक घाटे का मतलब है सिंपल। एग्जाम के लिए पढ़ना है तो एक लाइन में पढ़ लीजिए, फिस्कल डेफिसिट या बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो जो बचा उसे कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा आगे और अच्छी तरह ज्ञान के लिए पढ़ना है कि आखिर वाई द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स फिस्कल डेफिसिट, आखिर सरकार राजकोषीय घाटे का मेजरमेंट, राजकोषीय घाटे का आकलन क्यों करती है, तो सरकार राजकोषीय घाटे का मेजरमेंट इसलिए, सॉरी प्राथमिक घाटे का मेजरमेंट इसलिए करती है जिससे सरकार को ये पता चल सके, जरा ध्यान से सुनना, कि सरकार को बनाना है अभी बजट। थैंक यू। सरकार को अभी बनाना है बजट, क्या बनाना है दोस्तों, बजट। बजट बनाने से पहले सरकार देखती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट मतलब पिछले साल की बोरोइंग्स मान लो इतनी है, दिस इज द बोरोइंग्स, इतने उधार हैं अभी, और सरकार ने देखा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इतना रुपए हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो अब जो बच गया घाटा इसे कहेंगे प्राइमरी घाटा, इसे कहेंगे प्राथमिक घाटा। मतलब सरकार देखेगी प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटे का मतलब कि कितना बोरो किया था, कितना इंटरेस्ट दे चुके, अब जो रह गया, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी घाटा। अब दोस्तों इसके बाद बनेगा बजट, ध्यान सुनना, इसके बाद बनेगा बजट। अब इसके जब बाद बजट बनेगा तो उसमें सरकार देखेगी बजट बनाने से पहले ही कि भैया प्राइमरी घाटा इतना है, अर्थात प्राइमरी मतलब पहले से ही प्राथमिक रूप से, इसका मतलब ऑलरेडी प्रायोरिटी, इसका मतलब पहले से ही सरकार इतने घाटे में है। अब सरकार देखेगी कि भैया प्राइमरी डेफिसिट इतना तो है, अब इतना इतना पैसा यहां से आना है और इतना इतना पैसा यहां जाना है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, इसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटे को बनाने का आधार बेस ये है कि सरकार जानना चाहती है कि हम ऑलरेडी कितने डेफिसिट में चल रहे हैं, अर्थात हमने कितना बोरो कर रखा है ऑलरेडी, वो जानने के लिए सरकार देखती है और कैलकुलेट करती है फिस प्राइमरी डेफिसिट। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सारे लोग कि ये तीन टाइप्स के डेफिसिट्स क्या हैं, और अच्छी तरह अब आपका कोई भी सवाल हो बजट को लेकर आप प्लीज पूछ सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट के बड़े ट्विस्ट होकर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप में से कोई पूछेगा तो मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा, अदरवाइज दोस्तों बजट बस इतना सा ही है, इतनी चीजें बजट में एग्जाम ओरिएंटेड हैं, राइट। सुदर्शन ने एक सवाल पूछा, गवर्नमेंट डोनेटिंग मनी टू अदर कंट्रीज फॉल अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस मनी डोनेटिंग फ्रॉम विच बजट। सो दोस्तों अगर सरकार अगर अगर सरकार किसी कंट्री को कोई मनी डोनेट कर रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, बिल्कुल सही बात है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड दिस मनी डोनेटिंग फ्रॉम विच बजट, विच बजट का मतलब नहीं समझा सुदर्शन जी, बाकी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जल्दी से आप लोग इसको टेप लें या उतार लें, जल्दी से मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बजट के, कम ऑन राइट, या कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
हाँ भाई, तो सुदर्शन भाई थैंक यू वैंक यू भी बोलते हैं यार सवाल का जवाब मिलने के बाद। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डोनेशन मनी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही चलाएगी, लेकिन अब आपने उसका सवाल कंप्लीट नहीं किया अपना। डोनेटिंग फ्रॉम विच बजट, दिस मनी डोनेटिंग फ्रॉम विच बजट, इसका मतलब क्या है वो बताओ थोड़ा, क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके सुदर्शन जी, जल्दी बताइए समझ में आया नहीं आया आपको। अच्छा, सुरेश रे का एक और सवाल है कि लाइन आइटम बजट क्या होता है। तो दोस्तों एक बजट होता है जिसे बोलते हैं लाइन आइटम बजट। सो लाइन आइटम बजट का मतलब होता है, लाइन आइटम बजट का मतलब है दोस्तों कि यदि सरकार डिपार्टमेंट वाइज, जो हमने आउटकम बजट बताया, आई वुड लाइक टू नो दैट दैट इज देयर एनी सेपरेट प्रोसीजर फॉर दिस टाइप ऑफ डोनेशन। नहीं, देयर इज नो सेपरेट प्रोविजन और प्रोसीजर। गवर्नमेंट जो भी इससे जो पैसा खर्च करती है, क्या बोलते हैं, डोनेशन के लिए, वो सरकार अपने वहीं से, क्या बोलते हैं, जैसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो कहाँ से करेगी, जो भी कंसोलिडेटेड फंड में पैसा गया उसी से देगी। राइट नाउ, हाँ भाई, हटाओ। इसे हम कहते हैं, हाँ, तो ओके, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। और नाउ हम डिस्कस कर रहे थे लाइन आइटम बजट। तो लाइन आइटम बजट का मतलब होता है, सुरेश रे, लाइन आइटम बजट का मतलब है यदि सरकार ऐसे डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट इफेक्टिव बजट बनाए। डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट इफेक्टिव बजट मतलब अगर सरकार देखे कि कंपैरेटिवली बजट बनाए कि पिछले साल के टोटल आउटले, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर उसके क्या थे, तो उसी के हिसाब से फोरकास्टेड हो और आने वाले समय में और प्रेजेंट टाइम में बजट बनाए, तो उसे कहेंगे लाइन आइटम बजट। सो लाइन आइटम बजट का मतलब है कि द बजट विद रेफरेंस टू द पास्ट रिकॉर्ड्स फॉर द करंट एंड द फ्यूचर टाइम। सो दिस इज कॉल्ड लाइन आइटम बजट। तो पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए अपने प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम के लिए बजट बनाया जाए, तो उसे कहेंगे लाइन आइटम बजट। राइट दोस्तों, देखिए फिस्कल डेफिसिट को जरा हम मल्टीपल डायमेंशन से समझने की कोशिश करते हैं, और फिस्कल डेफिसिट के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जरा उसे देखते हैं। एक तो आपको सीधा समझ में आ गया कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, देखो मैं फिस्कल डेफिसिट के कुछ डायमेंशन दिखाऊंगा, जरा देखना। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा,
का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में दोस्तों बोरोइंग छोड़कर, सो टोटल रेवेन्यू का मतलब है अदर देन बोरोइंग्स, ऋण को छोड़कर। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों एक तो मैं ये लिख सकता हूँ फिस्कल डेफिसिट, एक एग्जाम में ये आता है। दूसरा एग्जाम में क्या आता है कि फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा का मतलब है फिस्कल डेफिसिट, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग्स, समझना। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा कि अगर आप कितने डायमेंशन से और इकोनॉमी किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र के किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जरा समझना दोस्तों। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू में से बोरोइंग्स माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग्स मतलब रेवेन्यू में से बोरोइंग छोड़कर, तो हम लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग्स। तो अब देखना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस बोरोइंग्स। अब दोस्तों अब देखना जरा मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू को कहते हैं बजट डेफिसिट, में प्लस कर दें बोरोइंग्स तो जो होगा उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सो दिस इज ऑल्सो, एक तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ये हो गया, और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ये भी हो गया। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड दिस इज द इकोनॉमी। सो अभी हम कहते थे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स को माइनस कर दें, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि फिस्कल डेफिसिट मींस, तो अगर एग्जाम में लिखा हो कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, तो आप सोचोगे यार बोरोइंग्स तो माइनस हो रही, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन दोस्तों घुमाकर हम ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्यों? क्योंकि टी माइनस टी आर, सबको समझ में आ जाए इसलिए एक बार और, कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब टी माइनस टी आर, टोटल रेवेन्यू में से बोरोइंग्स हटा दो तो वही बनता है फिस्कल डेफिसिट। तो टी की जगह टी माइनस ये, तो दोस्तों ये आ गया, इसको टी माइनस टी आर को कहते हैं बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, तो इसी को हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों एक और फिस्कल डेफिसिट को मैं बोल सकता हूँ क्या, तो देखिए दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, अब टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू राइट, टोटल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू और अदर देन बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। टोटल रेवेन्यू में से बोरोइंग्स हटा दो, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दें तो बनेगा फिस्कल डेफिसिट। अब जरा ध्यान सुनना, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, अब दोस्तों टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखना है, तो देखिए जरा यहाँ पर सीखिए, टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक डेट कैपिटल रिसीप्ट और एक नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो आप याद करो डेट कैपिटल रिसीप्ट का मतलब क्या है, ऋण पूंजी प्राप्तियाँ। तो दोस्तों डेट कैपिटल रिसीप्ट को ही बोलते हैं हम बोरोइंग्स, एवरीबडी डेट कैपिटल रिसीप्ट को क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स। और दोस्तों नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट आपको पता है, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर तो हो गया, चलिए भाई टोटल एक्सपेंडिचर तो हो गया। अब ये टोटल रेवेन्यू को मैं ये भी, अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग्स, सुनना। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो चाहे हम लिख दें कि रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, तो बोरोइंग पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या, माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। देखना टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा। अगर किसी को ना समझ में आए तो उसने बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया, अर्थात वो बस इतना सा रट्टा मार ले, और अगर पेपर में वो ना आए तो कहे हमारे बस का बस इतना ही था।
इसलिए मैं थोड़ा और डेप्थ में घुस के जो पेपर में क्वेश्चन आए वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो एक बार जल्दी से थैंक यू जरूर बोलना और दोस्तों कहना सर पूरा समझ में आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, सारे लोग देखना क्या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू में से मुझे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करना है या टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग करना है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग, टोटल रेवेन्यू में से बोरोइंग हटा दो तो बचा क्या रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, भाई गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। अब गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां क्या होता तो ध्यान से सुनिए भाई, टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू से बोरोइंग हटा दो, टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग, तो इसको बचेगा क्या रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो यहाँ माइनस कर दें तो फिस्कल डेफिसिट को मैं ये भी लिख सकता टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। तो ये भी इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ समझ में भी आया है नहीं। अगर दोस्तों आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं आपको बहुत सारे बजट के क्वेश्चंस कराऊंगा और अगली क्लास में टैक्सेशन शुरू करूंगा, जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएं। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर उसके बाद अगली क्लास में टैक्सेशन शुरू करूंगा और उसमें तुम्हें बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा और बहुत बेहतरीन क्लास होगी। सो दोस्तों, सुदर्शन ने कहा थैंक यू सो क्लियर, बस एक ही थैंक यू बोल रहा है भाई। सो दिस इज कॉल्ड जीएस स्पेशल ज्ञान। पूरे हिंदुस्तान में लोग इकोनॉमी के मामले में बस स्पेशल स्पेशल कर रहे, जीएस पढ़ा रहे, लेकिन दोस्तों द रियल जीएस स्पेशल इज दिस। अगर मैं आपसे फिस्कल डेफिसिट कहीं भी आप पढ़ो ऑनलाइन तो वो आपको पढ़ाएंगे हार्डली क्या है ये फिस्कल डेफिसिट, या ऑफलाइन भी, लेकिन दोस्तों मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट कितने मल्टीपल डायमेंशन से दिखाया, क्योंकि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव नीड्स स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ब्रेन। सो दोस्तों दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द क्लास एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन मल्टीपल वेज इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, थैंक यू सो मच टोनी एंड थैंक यू सो मच सुरेश रे एंड एवरीबडी निशांत, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों दिस इज द फिस्कल डेफिसिट के अलग अलग डायमेंशन, हमने डेफिनेशन पढ़ी बस इतना सा, लेकिन इसी को हमने घुमा दिया। तो इसको मैंने लिख दिया बजट डेफिसिट और इसको माइनस बजट डेफिसिट यहाँ किया तो इस निकल गया है प्लस बोरोइंग। तीसरा हमने दिखाया किसमें कुछ नहीं डेफिसिट, वो बोरोइंग है ही नहीं, तो उसे भी हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। चलते हैं दोस्तों, अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे पास तो वो कराते हैं और फिर आपको बढ़िया सा ज्ञान देते हैं किसका बजट का। आज की क्लास में बजट खत्म हो जाएगा और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जो हमने पढ़ा वो कुछ समझ में भी आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग उसके बाद हम लोग अगली क्लास में टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे सिलेबस रैपअप करना होता, जल्दी जल्दी लपेटना होता, तो मैं आज की क्लास में ही टैक्सेशन स्टार्ट कर देता और आप लोगों को टैक्सेशन पढ़ा देता। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से जीएस स्पेशल में इकोनॉमी बढ़िया तरीके से ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं इस स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहा हूं। सुबह की जिसने क्लास ली होगी उसने देखा होगा कि इमेज बनाई, रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी गोज टू, और लगभग हर क्लास में इतने सिस्टमेटिक एंड बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। दोस्तों अब भी इकोनॉमी समझ में ना आए तो इसका मतलब है गलती आपके एंड पे हुई है, याद रखना दोस्तों गलती आपके एंड पे हुई है मतलब आपने घर पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आप उसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, राइट। सो 25 जुलाई के अंदर इको सिलेबस कंप्लीट होगा सर इंद्रजीत रॉय, पता नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई ठेका नहीं रखा हमने, सही है। सो 25 जुलाई तक तो भाई हो ही जाएगा, चिंता मत करो ना। सिलेबस क्या है, आपका हो तो 4 दिन में ख़त्म कर दें, आपका हो तो 40 दिन लगा लें, तो भाई इकोनॉमी बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे जीएस का। चले भाई क्वेश्चन लगाया जाए प्लीज। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, भाई रेंदो वैसे बता दो, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट आप गौर से देखिए दोस्तों कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट इनमें से लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हिंदी में मैं बोलता हूँ निम्नलिखित में से गैर राजस्व, गैर कर राजस्व प्राप्तियां कौन सा नहीं है? तो आप याद करिए मैंने कहा था रेवेन्यू रिसीव दो तरह से हो सकती है, एक टैक्स और दूसरी नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में इंटरेस्ट रिसीव नॉन टैक्स है, एक्सटर्नल ग्रांट्स दोस्तों ये भी नॉन टैक्स है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ये भी दोस्तों नॉन टैक्स है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, और दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर इज डी, डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो विनिवेश है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो तो कैपिटल रिसीप्ट है ना, तो आंसर हुआ इसका डी। भाई आप लोग सुन बटे सन्नाटा की तरह मत रहो, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। दोस्तों पहले का आंसर हो गया डी, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, देख लीजिए आप लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो पहले का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू जो है वो क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मतलब जो प्रशासनिक राजस्व है। अब प्रशासन को राजस्व कहां से आता है? जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास पैसा कहां से आता है? तो इसका आंसर इज ए, फाइंस एंड पेनाल्टीज। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हैं, तो इनके रेवेन्यूज आते हैं फाइंस और पेनाल्टीज से। क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट में से निकलता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया डिविडेंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच अ कंपनी डिवाइड्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स। कमर्शियल रेवेन्यू ये अलग चीज है, लोन्स फ्रॉम अब्रॉड ये डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कैसे हुआ? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हिंदी में प्रशासनिक राजस्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसे फाइंस और पेनाल्टी, जैसे अगर हम बात करें कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो अगर ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? जो वो चालान काटेंगे वहां से आएगा। तो दोस्तों जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है वो फाइंस एंड पेनाल्टीज से आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस इन इंडिया इज कैटेगराइज एज। जल्दी से बताइए दोस्तों, जो एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस, सो नेशनल डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनिए दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस, तो पर जो भी डिफेंस सेना, राष्ट्र सेना पर जो भारत में पैसा खर्च होता है वो कौन सा व्यय है? तो दोस्तों मैंने आपको दोनों में बताया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद करिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ, जल्दी से बताइए क्या, कि वो डिफेंस पर्सनल्स पर जो पैसा खर्च हो रहा है, और डिफेंस इक्विपमेंट, आज सवेरे की क्लास में बताया कि अगर डिफेंस पर्सनल्स पर पैसा खर्च हो रहा है डिफेंस के लोगों पर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और डिफेंस इक्विपमेंट पर पैसा खर्च हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसका आंसर होगा सी, पार्शियली ईच, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। सो करेक्ट आंसर इस थ्री का सी। आप लोग ए बी करके जवाब मत दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्त क्वेश्चन नंबर फोर, एशीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एशीट किसका उदाहरण है, जल्दी जवाब दीजिए। एशीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, और मैंने रेवेन्यू रिसीप्ट के सबसे लास्ट में लिखा था एशीट। जो बच्चे उस क्लास को नहीं ली तो वो नहीं जवाब दे पाएंगे। एशीट का मतलब होता है दोस्तों वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, जहां से सरकार के पास राजस्व आता है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है, आज सवेरे की क्लास में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू, जो बोरोइंग्स हैं, जो ऋण है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं मुझे इसका, पांचवें का जवाब दीजिए जल्दी से। दोस्तों बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू, बोरोइंग्स किसके बराबर हैं? पांचवें का जवाब दीजिए, कमान। पांचवें का जवाब दीजिए जल्दी से कि बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू, अभी आज की क्लास में बताया कि बोरोइंग्स आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, जब हम फिस्कल डेफिसिट जो निकाल रहे वही तो बोरोइंग्स हैं। आज की क्लास में ही सेम क्वेश्चन बताया, और बेटा जितने क्वेश्चन लिए मैंने अपने घर से नहीं बनाए, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में थे। सो दोस्तों बोरोइंग्स किसके बराबर है? आज तो बताया कि बोरोइंग्स का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट का मतलब नथिंग बट बोरोइंग। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम एक्सप्लेनेशन। तो सी, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं जरा क्या है, आप लोगों की सेवा में अभी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को राइट में लगाया जाए प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप लोग, यूनियन बजट इज द बजट ऑफ।
दोस्तों यूनियन बजट बकवास बजट, बकवास सवाल, हटाओ इसको। तो यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, ये एग्जाम में इतना पिद्दा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो यूनियन बजट केंद्र सरकार का बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा बड़ा करिए प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये देखो क्या वंडरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों देखिए भाई, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट, तो जरा थोड़ा सा इसको करते हैं सॉल्व। सरप्लस बजट का मतलब है दोस्तों, सरप्लस बजट का मतलब है कि यदि सरकार के टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हैं देन टोटल एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं सरप्लस बजट। यदि सरकार के टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि सरकार के रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है। यदि सरकार के रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर से कम हो, रेवेन्यूज ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तो जरा जल्दी से मुझे बताएं कि यदि सरकार का टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व ज़्यादा है देन टोटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, मतलब सरकार टैक्स से, फी फाइन से, ब्ला ब्ला ब्ला, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा ज़्यादा कलेक्ट कर रही है, लेकिन सरकार लोगों के रोड्स पर, डैम्स पर, ब्रिजेस पर पैसा खर्च, स्कॉलरशिप पर, सब्सिडीज पर पैसा खर्च कम कर रही है। दोस्तों इसे कहेंगे सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट इज शोइंग टू मी दैट कि सरकार के पास टैक्स से और अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ रहा है क्या? ज़्यादा। लेकिन सरकार जो रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, इस पर पैसा खर्च कर रही है क्या? कम। तो इसका मतलब है ऐसा सरकार क्यों करेगी? तो दोस्तों ऐसा सरकार क्यों करेगी? तो ऐसा सरकार इसलिए करेगी दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। तो ऐसा इसलिए करेगी जिससे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, आर्थिक स्थिरता रहे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अगर रेवेन्यू ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है, तो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनसे सरकार रेवेन्यू टैक्सेस द्वारा से ले रही है और उसे लोगों तक एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन अपने पास सरप्लस बजट फॉलो कर रही है, इसका मतलब सरकार उनसे पैसा ज़्यादा खींच रही है अपनी ओर। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सरकार ऐसा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाइंग द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और विल। चलो हटाओ दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। इसका जवाब है शीट। तो दोस्तों वो क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी जो जिससे ना आए, आप लोग इसका जवाब वैसे ही दे सकते थे, एस शीट। 9वां सवाल है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इसका मतलब क्या? रेवेन्यू रिसीव्ड्स आर रेगुलर इन नेचर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने आपको वर्ड बताया रेवेन्यू रिसीव्ड, एक वर्ड बताया कैपिटल रिसीव्ड, ये तो हो गए रेवेन्यू के पार्ट, ये तो हो गए रेवेन्यू के पार्ट, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये हो गए दोस्तों एक्सपेंडिचर के पार्ट। तो अब मैं बता दूं कि जब भी आप रेवेन्यू वर्ड सुने, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इसका मतलब होता है ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर का मतलब है ये बार बार होते हैं, इनमें सरकार बार बार पैसा खर्च करती है या बार बार ये पैसा आता है, तो रिकरिंग। लेकिन दोस्तों जब भी आप सुने कैपिटल, तो कैपिटल वर्ड आप सुनते हैं, तो कैपिटल का मतलब होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है ये फिक्स्ड होते हैं और ये बार बार ज़्यादा अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। तो ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नेचर के हैं, और ये नॉन रिकरिंग हैं और ये अपरिवर्तनीय हैं। तो ये परिवर्तनीय हैं रिकरिंग, और ये नॉन रिकरिंग अपरिवर्तनीय। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, असत्य है या गलत है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर रेगुलर इन नेचर। तो दोस्तों रेवेन्यू रिसीप्ट
रेगुलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स बार बार आते हैं, हर बार फी फाइंस लाइसेंस बार बार ठुकता है, बार बार चालान ठुकता है। नाउ देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड, सो देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीव। दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपसे रेवेन्यू रिसीव सरकार ने राजस्व प्राप्तियां ले रखी हैं, चाहे वो टैक्स से हो, चाहे वो फी फाइन से हो, चाहे लाइसेंस से हो, गिफ्ट एंड ग्रांट से हो, इनकम फ्रॉम पीएसयू से हो, या इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन हो, दोस्तों क्या सरकार उन पैसों को वापस करने के लिए बाध्य होती है? नहीं। टैक्स का पैसा चला गया, गिफ्ट एंड ग्रांट चले गए, फी फाइन चले गए, तो वो वापस रिटर्न में नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे बोरोइंग, सरकार ने बोरो किया, तो अब दोस्तों जब बोरो किया, देखिए कैपिटल रिसीव इधर क्रिएट एन एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी। ये तो दोस्तों बिल्कुल आप जवाब ठोक सकते हो, ये तो बिल्कुल ईजी, मैंने आपको सेम लाइन भी पढ़ाई है कि जो कैपिटल रिसीप्ट हैं, सारे लोग जवाब दीजिए नौमे का, चुप मत बैठिए दोस्तों। नौमे का जवाब, कैपिटल रिसीप्ट इधर क्रिएट एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटी। सेम लाइन मैंने बोली थी आप लोगों को कि कैपिटल रिसीप्ट दो तरीके से आता है, या तो एसेट्स को कम करके या लायबिलिटीज को बढ़ाकर। तो दोस्तों हाँ देखिए, लेकिन ये उससे उल्टा लिखा, कैपिटल रिसीप्ट इधर क्रिएट एन एसेट। तो दोस्तों कैपिटल रिसीप्ट से क्या एसेट्स बढ़ते हैं? नहीं। और रिडक्शन इन लायबिलिटी? नहीं, जस्ट उल्टा। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि कैपिटल, ये आंसर सही होता लेकिन किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय करते हैं, तो इससे या तो एसेट्स बढ़ते हैं या लायबिलिटी घटती है। तो दोस्तों ये आंसर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लेकिन ने लिख दिया कैपिटल रिसीव। चौथा मुझे ऑप्शन रीड ही नहीं करना है, तीसरा हट गया। तो द इनकरेक्ट आंसर इज, द इनकरेक्ट इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आप लोगों के सामने, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, अभी इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट लिए, क्योंकि दोस्तों जब मैं टैक्सेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नाउ अ टैक्स इज द बर्डन ऑफ विच ऑफ द, छोड़ो रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन वेद छोड़ो, हाँ रोज लो। दोस्तों देखो, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस के दोनों के साइमल्टेनियस क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन स्किप कर दिए, क्योंकि अभी टैक्सेशन नहीं पढ़ाया। लेकिन यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रिसीव। दोस्तों नॉन टैक्स, अब आप ध्यान से देखिए, याद करिए, रेवेन्यू रिसीप्ट दो तरह से, एक टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। दोस्तों एक टैक्स, दूसरा नॉन टैक्स। तो आप देखिए नॉन टैक्स कौन सा है? तो नॉन टैक्स फी फाइन्स गिफ्ट ग्रांट्स डोनेशंस। दोस्तों आप देखिए, फी भी नॉन टैक्स है एंड फाइन्स भी नॉन टैक्स है और गिफ्ट भी नॉन टैक्स है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो अब अगर आप देखें इसको, तो ये थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट क्वेश्चन लिख लग रहा है। दसवें का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। टेंथ क्वेश्चन, तो टेंथ क्वेश्चन को फी फाइंस, तो बता दूं फी फाइंस लाइसेंस ये भी नॉन टैक्स रिसीप्ट हैं, गिफ्ट भी नॉन टैक्स रिसीप्ट हैं, ग्रांट एंड डोनेशंस भी नॉन टैक्स रिसीप्ट हैं। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव आर नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दिखाना। तो नेक्स्ट आगे, ओ सॉरी यार, रुक जाओ। क्या देखिए दोस्तों, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, आई एम वेरी लिटरली वेरी सॉरी। 12 का आंसर डी मत बोलो बे तुम लोग, 12 का आंसर सी। दोस्तों जो सुरेश रे, रविकांत यादव, सुरेश रे, इनने बढ़िया पढ़ लिया, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी पढ़ने में। दोस्तों फी फाइंस ये तो मैंने आपको बताए थे रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, लेकिन रेवेन्यू में मैंने बताया था नॉन टैक्स हैं। दोस्तों गिफ्ट टैक्स लिखा है उसमें, गिफ्ट टैक्स। अगर मैं कहूँ गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ध्यान सुनना, गिफ्ट एंड ग्रांट्स और डोनेशंस ये तो नॉन टैक्स हैं और ये रेवेन्यू रिसीप्ट हैं, लेकिन सी में लिखा है गिफ्ट टैक्स। तो जो टैक्स से आ रहा है वो तो यहां से आएगा, दिस इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आई एम सो सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट टैक्स द इम्पैक्ट ऑन विज, हटाओ इसको प्लीज। नेक्स्ट, ये दोस्तों टैक्स के क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? दोस्तों 14वें क्वेश्चन को देखिए, 14वें क्वेश्चन को देखिए कि क्या है क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो पहला स्टेटमेंट है कि बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। तो जो बजट है वो एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड दोस्तों दिस इज द करेक्ट आंसर, मुझे कोई ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बजट इज एन एस्टिमेशन अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। हिंदी में भी दोस्तों क्वेश्चन समझते आइए कि जो सरकार का बजट है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बजट एक स्टेटमेंट है, बजट एक वित्तीय विवरण है ऑफ एक्सपेक्टेड अनुमानित वार्षिक राजस्व के एवं व्यय के ऑफ सरकार, सरकार के। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, यही बजट के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से दिखाइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपकी सेवा में 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें। सो क्वेश्चन है दोस्तों, बस थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, जल्दी बताइए। नेशनल डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, सही है। नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी स्पायरल, एक नया टर्म आ गया। एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, दोस्तों जल्दी से बताइए इसका जवाब। हाँ दोस्तों जल्दी से इसका जवाब बताइए। पहले मैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल बता दूँ तो बस आप लोग समझ सकते हो, समझ लीजिए कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो फिर इनकम भी बढ़ती है, लोगों की इनकम, फिर इनकम बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर लोगों की इनकम बढ़ती है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर लोगों की इनकम बढ़ती है। तो ऐसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल, कि इनकम के बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़े तो लोगों का इनकम बढ़े तो लोगों का क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़े तो इनकम बढ़े, इनकम बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़े। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों राजकोषीय घाटे का कारण इनमें से क्या होगा? नेशनल डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार अगर बोरो करेगी तो उसे आने वाली पीढ़ी को चुकाना होगा। इन्फ्लेशनरी स्पायरल, ये भी सही है कि सरकार जितना ज़्यादा बोरो करेगी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फिर इनकम बढ़ेगी, फिर इन्फ्लेशन, फिर इनकम। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैच नंबर 2, आप लोग चिंता मत करिए। सी इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, मतलब जो सरकार की क्रेडिबिलिटी है वो खराब होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों वो इरेड हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सरकार ज़्यादा ऋण लेगी तो ज़्यादा कर्जा चढ़ जाएगा, इसलिए चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने दोस्तों इन सारे डायमेंशंस पर बात कर रखी है और आई होप आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 14 का करेक्ट आंसर इज डी, नहीं विकास सिंह, ए नहीं। नेक्स्ट प्लीज दोस्तों, नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट मीन्स, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, मुझे बिल्कुल दिख गया। सो सेलिंग ऑफ इट्स फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, सेलिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हेल्ड बाय इट, जल्दी जवाब दीजिए, दिखाना। सो दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। तो 16 का आंसर जल्दी बताइए, सेलिंग ऑफ इट्स फिक्स्ड कैपिटल एसेट, सेलिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, जब सरकार पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बेचती है तो उसके फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स भी बिक जाते हैं, बिल्डिंग्स भी बिक जाती हैं, और सेलिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सब कुछ बिक जाता है। दोस्तों मजा आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे मुझे खोपड़ी में हाथ फेर के आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द एस्टिमेटेड 17 क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड इनकम रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द बजट 2016-17 इज 25,000 करोड़ एंड इट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज 27,500 करोड़, द बजट ऑफ द फॉलोइंग इज, जल्दी बताओ भाई। 2016-17 में सरकार की इनकम रिसीप्ट जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर 27,500 करोड़ है, तो सरकार को क्या हुआ? बैलेंस बजट है, डेफिसिट है, सरप्लस है? चलो बच्चा क्वेश्चन हटाओ दोस्तों, ये आप बिल्कुल वैसी जवाब दे सकते हो, डेफिसिट है। नेक्स्ट बताइए भाई, इतने सरल क्वेश्चन आते, लेकिन अभी आपको सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसलिए आपको सरल लग रहे हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, गिवन द फॉलोइंग डेटा, इन डेटा को देखिए जरा आप लोग जल्दी से, और टोटल बजट एक्सपेंडिचर 1,000 रुपये का है, टोटल बजट रेवेन्यू रिसीप्ट 700 का है,
प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट 150 का है, लोन्स 150 के हैं, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, निकालो बेटा सवाल का जवाब, बढ़िया सवाल है, जल्दी से निकालो इसका जवाब, कम ऑन फास्ट। सो दोस्तों ये है इकोनॉमी का लेवल, और अगर हिंदुस्तान में तुम्हें एक भी जगह ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी इकोनॉमी पढ़ते हुए मिल जाओ तो बेटा हमारे पास आना, और जितना तुमने पैसा दिया है उसका 5 गुना हमसे ले जाना। फ़ोन कर लो दोस्तों हमें, और फ़ोन करके बता दो, हम यहीं से पेटीएम कर देंगे। तो आई होप मेरे सेंटेंस से आप लोग भी प्राउड फील कर रहे होंगे अपने आप को, इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि यू आर गेटिंग इकोनॉमिक्स इन अ वेरी गुड वे। दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ नहीं, 1000 रुपये। अब आप देखिए टोटल बजटरी, टोटल बजटेड रेवेन्यू रिसीप्ट, तो टोटल बजटेड रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है, रेवेन्यू रिसीप्ट, तो दोस्तों रेवेन्यू रिसीप्ट हैं 700 रुपये के, और देखिए प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है 150 रुपये का, तो डिसइन्वेस्टमेंट 150 रुपये, और देखिए आप लोग जरा क्या बोलते हैं, लोन्स, लोन्स जो ऋण हैं दोस्तों, जो लोन्स हैं तो लोन्स कितने के हैं, 150 के हैं, यस। तो फिस्कल डेफिसिट, तो दोस्तों आज मैंने आपको अलग अलग डायमेंशन में फिस्कल डेफिसिट बताया, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 से माइनस कर दो, क्या रेवेन्यू रिसीप्ट को, और इसको ऐड कर दो, यस नॉट, तो ये और ये 850 हो गया, 850, तो दोस्तों ये माइनस कर दो। अभी भी मैंने बताया कि रेवेन्यू फिस्कल, तीसरा वाला याद करो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। दोस्तों इसको तो अपन को कंसीडर ही नहीं करना, बोलो क्लियर है। तो दोस्तों अगर वैसे भी छोड़ो, अब आपका आंसर हटाओ, इतना क्यों कैलकुलेट कर रहे, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग इज इक्वल टू बोरोइंग्स, तो 150 रुपये का लोन है तो आंसर हो गया बोरोइंग्स। बोलो भाई कैसा लगा, दोनों एंगल से, दोनों डायमेंशन से, कम ऑन एवरीबडी एक बार तालियां बजा दो वहां से जल्दी से दोस्तों, और जिससे मैं थोड़ा और मोटिवेट हूं और थोड़ा और आपको ज्ञान मिले। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अपन को कुछ नहीं देखना, सीधा फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू लोन्स, तो लोन लेना है इतना, तो लोन हो गया आंसर। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तीसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था अभी, कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टी माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, नॉन डेट में आ गया डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स। ना भाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा हो और मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही बस समझ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं चल रहा दोस्तों, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे ही कुछ है। दोस्तों एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोक लाइक कोक कॉज ओबेसिटी, द गवर्नमेंट कैन हेल्प इन रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कंजम्पशन बाय, तो दोस्तों आप बता सकते हो कैसे, तो इम्पोजिंग हैवी टैक्स ऑन इट। दोस्तों यही मुझे आंसर दिख रहा है इसका, बाकी आप लोग इसका ना चूज द करेक्ट ऑल्ट, दोस्तों यही है कि सरकार इसका कंजम्पशन कैसे रोक सकती है, कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उस पर टैक्स लगा दे तो लोग उसे क्या कम पीने लगेंगे, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा उसका। तो समझ आ रहा है सर, नहीं नहीं सर जी, हमें बहे आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है दोस्तों ना। तो नेक्स्ट है प्रोहिबिशन इट सेल्स इन द स्कूल कैंटीन, तो इससे कुछ नहीं होगा, उससे कंजम्पशन थोड़ा ना रोकेगा, स्कूल कैंटीन में नहीं पियेंगे बेटा, बाहर जाके पी लेंगे, किसके साथ तुम समझते हो ना। नेक्स्ट इंक्रीजेस इन प्राइस इट्स प्राइस, तो सरकार इसका प्राइस कैसे बढ़ा सकती है यार, प्राइस तो कंपनी वाले बढ़ाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है नहीं सर आ रहा है, ओके मतलब नहीं आ रहा है कि नहीं सर, चलो दोस्त मजाक कर रहा था ना। नेक्स्ट है दोस्तों काउंसलिंग द स्टूडेंट थ्रू द स्कूल, अरे भैया तुम लोगों को काउंसलिंग वाउंसलिंग करने से नहीं होता, जब तुम्हें किसी के साथ आउटिंग पे जाना है तो कोक तो ऑर्डर करनी है ना। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग, सरकार के बस में क्या है, टैक्सेस लगा दो, प्राइसेस बढ़ा दो, खत्म ना। इन द बजट विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, दोस्तों ये मैं नहीं इसको, ये आप बताएंगे दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय होना चाहिए। दोस्तों जल्दी से देखिए क्या है, जो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, यदि सरकार भूमि पर व्यय कर रही है तो भूमि पर विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, नो द करेक्ट आंसर इज डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों जो पूंजी व्यय है, तो पूंजी व्यय एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग, हाँ जो जो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड है या जो बिल्डिंग है, या हम देखें तो दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट दोस्तों द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट, ओके खत्म,
ओके, तो क्वेश्चन खत्म हो गए, 2 मिनट दो बेटा और क्वेश्चन लाते हैं। यू इन्जॉयड दिस सेशन। और बस इतने ही सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर व्यवस्था, और आप लोगों को ज्ञान मिलेगा टैक्सेशन का, और उसमें कंप्लीट ज्ञान देंगे आपको टैक्सेशन का, राइट। तो आई एम थिंकिंग कि आप लोगों की जो अगली क्लास हो, तो शायद वो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास पूरी लगा लूँ 9:30 से 12:30, कैसी रहेगी दोस्तों? 9:30 से 12:30 अगर क्लास लगा लूँ आप लोगों की, या जैसा आप लोग कहें। थैंक्स सर, मज़ा आ गया। सुरेश रे, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो दोस्तों अभी हमने देखो बजट के क्वेश्चन पढ़ लिए, बजट को पूरा पढ़ लिया, अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन देख लिए। आई डोंट होप सो कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। अब आप मज़े लीजिए दोस्तों, तो दैट्स कॉल्ड बजट। अब आप दोस्तों अब अगली क्लास में रेडी हो जाओ क्या बोलते हैं टैक्सेशन के लिए, और आई एम थिंकिंग कि आपकी 9:30 से 12:30 3 घंटे का पूरा एक सेशन लगाया जाए जिसमें आपको टैक्सेशन अच्छी तरह पढ़ाया जाए, क्योंकि टैक्सेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं सुबह भी सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा फिर बच्चे पता नहीं क्या सोचेंगे कि कहेंगे यार ये देखो टाइम्स कोचिंग वाले, तो भाई तो मैं सोचा था सुबह 9:30 से 11 के जब 10:45 बजने वाला था, तो मेरे दिमाग में आया कि 12:30 बजे तक क्लास लो, नहीं मैं सोचा चलो छोड़ो बच्चे थक जाएंगे। तो अब आप रेडी रहना मंडे को 9:30 से 12:30 अगर मेरी क्लास हुई तो, और आपको भी पता चल जाएगा आज ही, तो देख लेना आप। तो जिससे क्या होगा कि हम लोगों का टैक्सेशन बहुत अच्छी तरह से एक क्लास में ही ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये 1.5 घंटे की क्लास में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, और चूंकि अभी तो ये बजट का एंड पोर्शन था इसलिए इस क्लास को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ सर साइंस की क्लास ज़्यादा लगवा दो, प्लीज़। बिल्कुल लगवा देंगे भाई साइंस की क्लास ज़्यादा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं ना, पहले ये बड़े बड़े पोर्शन ख़त्म हो जाएं, फिर एक साथ बायो की और केमिस्ट्री की क्लास चलेंगी आपकी, और फिजिक्स अभी शायद मंडे को, या तो मेरी नहीं तो फिजिक्स ही होगी, तो बी रेडी फॉर द फिजिक्स मे बी। सो देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, गुड बाय एवरीवन।